हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश अरोड़ा और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं इस वाले पार्ट को। और ये जो पार्ट है मेरे पास, ये एक फोर एक्सिस का कंपोनेंट है और इसके लिए मैंने एक एडिशनल सरफेस बना ली है। ये सरफेस है मेरे पास, इसको भी दिखा देता हूँ मैं। ये रहा राइट सिलेंडर का सरफेस, ताकि मैं इसे सिलेंडर पे इजीली कट कर पाऊँ। राइट, ये ड्राइव सरफेस है बेसिकली मेरी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फ़िलहाल मैंने हाइड कर दिया, और हाइड करने के बाद कुछ एडिशनल ज्योमेट्री मुझे और अभी बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से कर्व में जाता हूँ, और कर्व में जाके ऑफसेट कर्व इन फेस। तो कर्व इन फेस में कर्व है मेरा ये वाला, और फेस सिंगल फेस ये वाला। अभी ये कितना चाहिए ये मुझे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 मिनट इसको ओके इसे मैं कुछ 3 4 5 कुछ भी अभी डाल देता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। आप यहाँ से एनालिसिस में जाएं और सिंबल, या मेज़र ले लेता हूँ, और मेज़र में भी प्रोजेक्टेड डायरेक्शन ये वाली, ये फेस है मेरा पास, और एक ये वाला फेस है। राइट, और ये गैप आता है अब नहीं प्रॉपरली, ये अभी भी नहीं आ पाया। तो मैं सिंपल गैप ले लेता हूँ, और पिक किया ये फेस और ये फेस। तो ये गैप है 6.23, 6.233। तो 6.2339/2। राइट, तो ये बिल्कुल मिडिल पे एक कर्व मेरे पास आ गया है। ओके, और मैं एक यहाँ पे और कर्व ले लेता हूँ, सेम यही मेथड से सेलेक्ट किया कर्व को, और इस बार मैं 2 का रेडियल गैप मीन्स 4 का डायमीटर का टूल चलाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसे पिक कर दिया। अप्लाई, एक कर्व और ले लेते हैं, इधर से पिक किया, और फेस, और ये ओके। राइट, तो कुछ एडिशनल ज्योमेट्री मेरे पास है, आप चाहें तो उसको लेयर में डाल दीजिए। तो एक बार फिर से मैं लेयर आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपको जाना है और मूव टू लेयर। किस किस को, ये कर्व है, ये भी कर्व है, एक ये भी कर्व है, ये सब ओके, और 2 वाले लेयर में चला जाए। और ये जो सरफेस है इसको भी मैं मूव करता हूँ लेयर नंबर 3 में। राइट, अगर अब आप चाहें तो आप इसको हाइड एंड शो कर सकते हैं। राइट, तो फिलहाल मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैंने जस्ट आपको बताया है किस तरीके से आप इसे लेयर में डाल सकते हैं। तो मेरा पहला टास्क रहेगा कि मैं इसके ऊपर एक रफिंग कर दूँ, यहाँ से ऊपर का जितना भी मटेरियल है वो सब कट कर दिया जाए। तो सबसे पहला काम मेरा है वर्क पीस डिफाइन करना। तो MCS में आते हैं, MCS में ध्यान रखिएगा Z डायरेक्शन मेरी ऊपर है, X अंदर जा रहा है, तो रोटरी एक्सिस A बनेगा। वर्क पीस में पार्ट, ये मेरा पार्ट है, और यहाँ से जाके हम ले लेते हैं बाउंडिंग सिलेंडर, और एक्सिस ये वाला चाहिए, और ओके राइट, बिल्कुल प्रॉपरली परफेक्ट आ रहा है, ओके कर देते हैं। तो ये सब डिफाइन हो गया, अब आती है टूल की बात। तो टूल, मैं एक बड़ा टूल ले लेता हूँ रफिंग के लिए, इसको यूज़ करने वाले हैं। तो एंड मिल 20 का, ये 20 ले लेते हैं, 30, और ये 40 50, ओके एक ये टूल हो गया। फिर से जाते हैं, एक टूल मैं और ले लेता हूँ जो कि यहाँ पे बीच में कट करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो आप एक 6 का ले लेते हैं, एंड मिल 6, तो 6 का इसको ले लेते हैं, ओके। फिर एक टूल मैं और ले लेता हूँ, और ये एंड मिल 4 हो जाएगा, जाते हैं ऑपरेशन में। और ऑपरेशन में मेरे पास है वेरिएबल कंटूर, वेरिएबल कंटूर के अंदर टूल मैंने ले लिया 20 का, वर्क पीस डिफाइन किया हुआ है, तो वर्क पीस सेलेक्ट करें, और मैं इसे फिनिश करना चाहता हूँ ओके।
अब सेलेक्ट करना है इसको, तो ये शो होना चाहिए तभी आप ले पाएंगे। और मेरे पास है यहाँ से सरफेस ड्राइव, ओके, और ये वाली मेरी सरफेस है, इसे मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ से कट की डायरेक्शन, कट की डायरेक्शन हम ले लेते हैं, ये एरो ये कट की डायरेक्शन के लिए काम कर जाएगा। और मटेरियल की साइड एरो अंदर जा रहा है, राइट, ये गलत हो रहा है, राइट, एरो जो आपका है बाहर की तरफ होना चाहिए, ये मैंने बाहर की तरफ ले लिया। इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ से जिग जैक, ये ठीक है, और इसको भी 10 रख लेते हैं। यहाँ से इसको टॉलरेंस दे देते हैं, ओके। प्रोजेक्शन वेक्टर मैं टूवर्ड्स ड्राइव या टूल एक्सिस ही रख लेते हैं, और टूल एक्सिस को हम यहाँ से ले लेते हैं, टूल एक्सिस को लेते हैं अवे फ्रॉम लाइन, तो अवे फ्रॉम लाइन, और लाइन है मेरी ये जो एक्सिस जा रहा है एक्स। इसके बाद कटिंग पैरामीटर में जाते हैं, और मल्टी पास, ये मल्टी पास में मल्टी डेप्थ चाहिए मुझे, और स्टॉक भी चाहिए, तो इसे ओके करते हैं। और यहाँ से फिर से एनालिसिस में जाके मैं मेज़र करूँगा प्रोजेक्टेड डिस्टेंस, ये फेस और ये फेस कितना, ये अभी भी यहाँ से ठीक नहीं मुझे मिल पाया। मैं सिंपल डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ के बीच में लेता हूँ 4.5, कैंसिल, वापस आ जाते हैं। यहाँ से आप जाइए और 4.5 मल्टीडेप्थ, स्टॉक इतना है, 1 का कट ले लेते हैं। स्टॉक कितने का स्टॉक छोड़ना चाहते हैं, 0.1 मटेरियल यहाँ पे बचना चाहिए इसके फेस पे, लेना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए, फिनिश रखना चाहते हैं फिनिश भी हो जाएगा, ओके कर देते हैं। और जनरेट करके देखा जाए एक बार इसको, फीड स्पीड को भी मैं चेंज कर देता हूँ, कैलकुलेट, ओके। और यहाँ से नॉन कटिंग मूव में भी चलते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर एंड रैपिड बाउंडिंग सिलेंडर, नो, बाउंडिंग सिलेंडर जेड में काम करता है, हमारा जो एक्सिस है एक्स है, तो हमने यहाँ से लिया और ये सेंटर हो गया, वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, और यहाँ पे लगभग 26-25 ऐसा कुछ, ये देखिए सर्कल, राइट, तो यहाँ तक ये रिट्रैक्ट करेगा। कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, मल्टी एक्सिस या फोर एक्सिस बनाने में थोड़ा सा टाइम ये लेगा, तो मैं इसे पोज कर देता हूँ। तो ये टूल पाथ मेरे पास जनरेट होके आ गया है, और ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से तो ठीक है, लेकिन इस जगह पे आप देखेंगे तो ये हल्का सा स्पेस ले गया है ना, ऊपर की तरफ आ रहा है बार बार, तो प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, आपको ये तो नॉन कटिंग मूव दिया था, पर ऐसा क्यों आ रहा है, हो सकता है, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। और कट एरिया भी एक बार और मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, और ये यहाँ से यहाँ तक हमने कुछ गैप दिया था, 20 का डाया है, तो ये 10 का गैप इधर से और 10 का गैप इधर से मैंने छोड़ा था, ताकि टूल यहाँ से कट करेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन अभी अगर ये इस तरीके से गड़बड़ कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप यहाँ से जब जाएंगे वापस सरफेस पे क्लिक करिए, ये स्टार्ट होगा 5%, बाद में गलत हो गया, यहाँ से 5 का गैप छूट गया, और लास्ट में भी 100 तक नहीं जाएगा, 95 तक ही जाना चाहिए, और क्लिक, तो ये हल्का सा यहाँ पे भी गैप इसके बीच में काटेगा, बाकी जो बचेगा इसके लिए हम फिर कुछ ऑप्शन लगा लेंगे, बाकी सब कुछ ठीक है, ओके कर देते हैं और जनरेट करते हैं एक बार और। थोड़ा सा टाइम इसमें फिर से लगेगा, तो देखिए इस बार पहले के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी आ गया है। अब आप अगर आप देखेंगे तो ये मेरा प्रॉपरली आ रहा है, मैं आपको ये चला के भी दिखा देता हूँ, ये है टूल, यहाँ पे चलाएंगे तो इधर से भी देख लेते हैं फ्रंट से रख के, आखिर तक आएगा, ठीक, 5 जो मैंने गैप छोड़ा था वो 5 mm हल्का सा गैप इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि ये वाला गैप, अदरवाइज यहाँ से आता कि पूरा 10 ही था। स्टॉप करता हूँ मैं इसको, और एक बार आपको कोशिश करता हूँ कि 3D वेरिफिकेशन में भी हमें शो हो पाए।
राइट right? होने देते हैं इसको। तो ये इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अभी मटेरियल जो है इधर साइड में बचा हुआ है और इधर बचा हुआ है, इसके लिए मैं दूसरा ऑपरेशन लगाने वाला हूँ। इसको आप ओके कर दीजिए, पहला ऑपरेशन मेरा हो गया है। इसके बाद वाले के लिए मैं यहाँ से दोबारा से जाता हूँ और यहाँ से जाके मैंने वेरिएबल स्ट्रीम लाइन ले ली और टूल इस बार मैंने 6 का ले लिया। वर्क पीस मेरा ठीक है, चलिए और फिनिश ओके। यहाँ से जाके सरफेस सेलेक्ट करता हूँ मैं, ये वाला इस सरफेस से मुझे कट करना है ओके। और यहाँ से चेक करते हैं इसे, 1 2 ठीक है, दोनों प्रॉपर आ रहा है। किस डायरेक्शन में कट करना है ये क्लिक कर दिया मैंने, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और इसको हमने जिगजैग में रख लिया, विद लिफ्ट ले लेते हैं और सिर्फ 5 में कट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। और ये भी आप टॉलरेंस रख लीजिए, ये सब तो ठीक है राइट ओके। और इसके बाद प्रोजेक्शन वेक्टर में आ जाते हैं और इसको हम कर देते हैं टूवर्ड्स ड्राइव और टूल एक्सिस, नॉर्मल टू पार्ट, कटिंग पैरामीटर में स्टॉक नहीं, ये भी नहीं चाहिए, बाकी तो सब ठीक ही लग रहा है ओके करके प्ले करते हैं। कुछ रहेगा तो फिर चेक किया जाएगा। जनरेट, तो ये कुछ वार्निंग मेरे पास आ गई है, गॉज आ रहा है टूल एस से, तो ये तो ठीक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल टू पाइट की जगह मैंने कर दिया नॉर्मल टू ड्राइव। नॉर्मल टू ड्राइव तो नहीं चलेगा, तो एक काम कर लेते हैं, आप इसको नॉर्मल टू पार्ट ही रखें। इसे वर्क पीस की जगह मैंने नन ले लिया और पार्ट मेरा ये फेस हो जाएगा ओके। और बाकी तो सब ठीक है, एक बार जनरेट करके देखते हैं। टूल एक्सेस प्रॉपर्ली नहीं आया, देखें कैसा आ रहा है, टूल सही नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप स्ट्रीम लाइन में जाएं, कट की डायरेक्शन नहीं, और इसे ओके करते हैं, जनरेट, लेकिन अभी प्रॉपरली नहीं आ पा रहा। इसको भी मैं हटा देता हूँ, नहीं एक मिनट से कैंसिल कर देते हैं, या एक मिनट ओके करते हैं। यह हम एक काम और कर सकते हैं, मैं इसको फ़िलहाल में, चलिए डिलीट किया, इसे कॉपी करते हैं और इसके बाद इसे पेस्ट कर दीजिए, डबल क्लिक करेंगे और ये मुझे सरफेस ये वाली चाहिए और स्ट्रीम लाइन ऑप्शन यूज़ करना है और ये कर्व मेरे पास एक और एक दो ठीक है, और डायरेक्शन ये ले ली और जिग जैक विद लिफ्ट और 5 मुझे ये चाहिए। और मोर में जाके आप टॉलरेंस ओके, और इसको हम कर देते हैं टूवर्ड्स ड्राइव, टूल एक्सेस अवे फ्रॉम लाइन, कटिंग पैरामीटर में हमारा जाके हम ये मल्टी डेप्थ नहीं चाहिए, 0 स्टॉक रखना चाहते हैं तो, अदरवाइज फिनिशिंग के लिए 0। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता,
या कुछ वार्निंग आती है। अभी टूल अभी भी रह गया है, तो टूल में जाके मैंने टूल लिया 6 का। अब जनरेट करिए, राइट। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ये रहा 3D वेरिफिकेशन। अब सेम इसी को ही मैं कॉपी करके अपोजिट वाली साइड में भी ले लूँगा। तो ये देखिए, ये कुछ इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मटेरियल और यहाँ पे मटेरियल बच रहा है, तो वो हमारा हमें यहाँ से कटिंग पैरामीटर से इसे चेंज करना पड़ेगा। स्टॉक को आप हटा दीजिएगा, ओके। और इसी को ही मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देते हैं, डबल क्लिक। बाकी सब कुछ सेम है, बस ज्योमेट्री को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और हटा के मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। बाकी सब कुछ सेम, ओके। और कटिंग पैरामीटर में जाके स्टॉक को 0 ले लेते हैं, ओके। अब आप जनरेट करें, ये आ गया इसका रिजल्ट। स्पीड थोड़ी सी मैं कम करता हूँ, ताकि जब इसका प्रीव्यू आएगा तो मैं आपको दिखा पाऊँ। राइट, कुछ इस तरीके से आ रहा है, इधर से देखेंगे तो उल्टा हो रहा है। यहाँ से जाते हैं, यहाँ से डायरेक्शन ऊपर की ले लेता हूँ मैं, वो शायद नीचे की सिलेक्ट करनी पड़ी होगी, ओके। और जनरेट, अब चेक करके देखते हैं। राइट, पहले ऊपर का कट है, फिर नीचे का कट है। राइट, इसके बाद हमें चाहिए ये वाले फेस को, तो मैं हाइड कर देता हूँ। अब ये कर्व है मेरे पास, इस कर्व के ऊपर हमें काम करना है। तो डायरेक्टली इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद पेस्ट कर दीजिए, डबल क्लिक करेंगे। अब की बार जो सरफेस है वो ये नहीं है, सरफेस है ये वाली, और मेथड है मेरा कर्व। कर्व है ड्राइविंग वाला ये, 4 का टूल, टूल एक्सिस अवे फ्रॉम लाइन, यही मैं सेलेक्ट करके रखता हूँ। और इसकी कुछ थिकनेस है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अभी मैं इसे एज्यूम कर लेता हूँ 4, और मल्टी डेप्थ में 1, ओके। और जनरेट करके देखते हैं, लगता तो ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये प्रॉपरली चल रहा है, ओके कर देते हैं। इसी को ही फिर से कॉपी करिए और पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद इस बार मैं मिडिल वाले को ले लूँगा और फिर लास्ट वाले को ले लेंगे। राइट, तो यहाँ से जाके फेस, ये सरफेस तो मैं ठीक है, कर्व को डिलीट किया, और कर्व इस बार बीच का है, बाकी सब कुछ सेम, ओके। एक बार फिर से पेस्ट,
और कर्व को चेंज कर देते हैं, इस बार ये लास्ट वाला कर्व जनरेट। ओके तो ये तीनों को सिलेक्ट किया, वेरीफाई में जाएं और 3D रिप्ले में ये देखिए इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इसको मैं आगे ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, और ये ट्रांसफॉर्म करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। माना एक ये वाला है, इसे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ से ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट लीजिए, और ट्रांसलेट में डेल्टा और एक्स की डायरेक्शन की तरफ, यहाँ से ये जो गैप है ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये 19.5 है, तो मैं इसे ले लेता हूँ, और इंस्टेंस मुझे 3 चाहिए, और ये रहा प्रीव्यू। ओके और सेम तरीके से ही आपको बाकी भी करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे कोर्स को रीड करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।